नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक मंत्र ऐसा भी है जो आपके सभी बाधाओं को चुटकियों में दूर कर सकता है, और एक देवता ऐसा भी है जो भूत प्रेत जिससे डर कर उल्टे पाँव भाग जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं उनका नाम? अगर आप वास्तव में हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानते हैं तो हमें आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि केवल एक हनुमान जी है जो कलयुग के चिरंजीवी देवता कहे जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, ये भी आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम बालाजी महाराज जी का सिद्ध मंदिर है और यहाँ के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी के परम भक्त माने जाते हैं। तो खुद गुरु जी ने सर्व बाधा मुक्ति के लिए हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र बताया है जिसे अगर आप 3 बार बोलकर सो जाएंगे तो सुबह आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, क्योंकि गुरु जी का कहना है कि खुद बालाजी महाराज आपके सभी काम सिद्ध करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वह कौन सा मंत्र है तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी बहुत सारे लोग वीडियो को देख सके और बागेश्वर बालाजी की महिमा को जान सके। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बीमारी है या आपको डर लगता है या बुरे सपने आते हैं या नींद नहीं आती या फिर कोई तंत्र मंत्र टोना टोकटा किया हुआ हो, तो हम आपको सबसे पहले जिस देवी देवता का नाम लेते हैं वह है हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिसे आप सरलता से पूजा कर सकते हैं, इनकी सिद्धि भी की जा सकती है। महाबली हनुमान जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता है और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो केवल एक हनुमान चालीसा से ही आप उनको खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी के चलते बागेश्वर धाम बालाजी के गुरुजी ने बताया है कि जो भी मंगलवार और शनिवार को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर जो हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उन्हें कोई भी भूत प्रेत बाधा सता नहीं सकती है, उनके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती है। साथ ही बागेश्वर धाम बालाजी और हनुमान जी महाराज की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में गुरुजी ने अपने भक्तों को कुछ विशेष उपाय भी बताए, जैसा कि अगर आप बीमारी से परेशान हैं, आपके घर में बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, लगातार बनते हुए काम भी आपके बिगड़ रहे हैं, या फिर आपकी कोई भी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही हो, अगर आपके घर में किसी ने टोना टोकटा या फिर जादू टोना करवा दिया हो, तो ऐसे में अगर आप देवी देवता आपकी सहायता कर सकते हैं तो वह केवल हनुमान जी ही है, क्योंकि हनुमान जी को माता पार्वती से 8ों सिद्धियाँ और 9 निधियों का ज्ञान प्राप्त है। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला हुआ है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी सिद्धियाँ मौजूद है सभी हनुमान जी के रूप में बसती है, तभी तो सूर्यदेव और शनिदेव जैसे देवता भी हनुमान जी से भय खाते हैं। अगर आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो केवल आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, और बड़े बड़े संत महात्माओं का कहना है कि केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही आप हनुमान जी को और उनके रूप को प्रसन्न कर सकते हैं और स्वयं के आसपास उनको महसूस भी आप कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि अगर आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में 100 देसी घी का दीपक जलाते हैं तो भी हनुमान जी बहुत जल्द आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। साथ में अगर यह दीपक आपने आटे का बनाया है तो सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि आटे के दीपक में दीप प्रज्वलित करने से उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। तो वहीं जो लोग हनुमान जी का विशेष तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं या अपनी कोई विशेष इच्छा पूर्ति चाहते हैं, तो वह हनुमान जी का वीर चरित्र, सुंदरकांड और किष्किंधा कांड का पाठ अपने घर पर 7 मंगलवार और 7 शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो लोग हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं उन्हें भी हनुमान जी अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक बार माता सीता जब अपनी मांग भर रही थी तो हनुमान जी ने उनके कक्ष में जाकर उनसे पूछा कि हे माता, आप ये क्या कर रही है? तब सीता माता ने उन्हें बताया कि वह सिंदूर लगा रही है, इस सिंदूर को लगाने से उनके श्री राम की आयु बढ़ती है और वह खुश होते हैं। इसी बात को सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, और तभी से कहा जाने लगा कि जो भी हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाता है या लगाता है उसे श्री राम की आयु बढ़ती है और श्री राम को प्रसन्नता होती है। तो जो भी भक्त श्री राम को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, हनुमान जी खुद ब खुद उन्हें प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा है कि जो भी भक्त हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें शनिवार और मंगलवार वाले दिन उनकी मूर्ति पर चोला चढ़ाना जरूर चाहिए। इसी के साथ बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के दरबार में हर कोई अपनी अर्जी लगाना चाहता है, तो उन्होंने इसका सरल उपाय भी अपने भक्तों को बताया है। जो भी भक्त उनके दरबार में अर्जी और पेशी लगाना चाहता है लेकिन उनकी अर्जी नहीं लग पा रही है, या फिर वह अपने
घर में बागेश्वर धाम नहीं आ पा रहे तो वह अपने घर में बैठकर भी पेशी और अर्जी लगा सकते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक नारियल लेना है और उसे एक लाल कपड़े में बांध लेना है। इसके अलावा उस नारियल पर 7 बार मोली लपेटना है और बागेश्वर बालाजी का नाम लेना है। ओम वीर बागेश्वराय नमः ओम फट स्वाहा नाम का जाप करना है। इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख देना है। अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो उसकी पेशी मान ली जाती है और बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी जल्द ही उनकी अर्जी स्वीकार करते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने पूरे घर में भूत बाधा को दूर करने के लिए एक अचूक उपाय भी बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है या फिर किसी इंसान के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है तो आप हनुमान जी का नाम लेकर एक नारियल ले लीजिए और इसको लाल चुनरी में लपेट कर इस पर 11 बार मोली लगाएं। कम से कम 108 बार बागेश्वर धाम के महामंत्र का जाप करें और इसे हनुमान जी के प्रार्थना कर धूप दीप और नैवेद्य से सिद्ध करें और फिर हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी अब हम आपके भरोसे हैं, हमारे हित और अहित आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसा हमारे साथ करना और फिर इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख दे। जल्द से जल्द बागेश्वर धाम आने का प्रयास करें। बागेश्वर धाम आने के बाद इसी नारियल की पेशी लगाए या फिर इसे वहीं पर पीपल के पेड़ पर बांधे। जैसा करने से आपके घर की जितनी भी भूत बाधा होगी वह बागेश्वर बालाजी सुलझा देंगे और आप पर उनकी कृपा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और साथ ही दोस्तों गुरुजी ने अपने भक्तों को एक साथ एक ऐसा सर्व बाधा मंत्र भी दिया है। दरअसल होता क्या है कि हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां होती है तो हमें इसमें उलझे रहते हैं, आखिर कब किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप कब करें, पूजा पाठ कब करें। तो इसी उलझन में सुलझाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी सरकार ने अपने भक्तों को एक ऐसा महामंत्र बताया है जिसे अगर आप रात को 3 बार बोलकर सो जाते हैं तो भी आपके ऊपर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा बनी रहेगी और आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। तो आखिर वह मंत्र क्या है तो सुनिए। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संघ्राणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। तो दोस्तों ये वह मंत्र है जिसे आपको कम से कम 3 बार या फिर 108 बार एक ही जगह आसन पर बैठकर जाप करना है। आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके घर में मंदिर में एक देसी घी का दीपक भी आपको जला लेना है और सच्चे मन और विश्वास से बागेश्वर बालाजी का ध्यान करना है और अपनी हर परेशानी हर बाधा को हनुमान जी के भरोसे छोड़ देना है। फिर इस मंत्र का चमत्कार देखिए दोस्तों कि कैसे बालाजी सरकार आपके हर काम को सिद्ध करते हैं और आपकी सारी परेशानियां अपने आप सुलझ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और भी बागेश्वर बालाजी के चमत्कारों का फ़ायदा उठा सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बनाने का। तो जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज की।